अपने मन की बात कैसे बताएं। ऐसा कई बार हुआ होगा जब आप किसी से कोई बात करना चाहते हैं लेकिन वो बात आप ठीक तरीके से सामने वाले व्यक्ति को समझा नहीं पाते। कई बार ऐसा भी होता होगा जब सामने वाला व्यक्ति आपको गलत समझ बैठे। इस स्थिति में हमारी अगली तकनीक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने मन की बात सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव देखने होंगे। कुछ लोगों को देखकर चीज़ों को समझने की आदत होती है, वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनकर चीज़ों को समझने की आदत होती है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की चीज़ों को समझने की प्रक्रिया क्या है, और फिर उसी के अनुसार आप अपनी बातें उनसे कहें। आप अपने मन की बात बताने के बाद आप सामने वाले व्यक्ति का भरोसा काफ़ी हद तक जीत सकते हैं, लेकिन इसे और प्रभावशाली बनाने के लिए आपको हमारी अगली तकनीक काम आएगी। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करें तो मैं या तुम जैसे शब्दों की जगह पर हम या हमारा जैसा शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे सामने वाले व्यक्ति को आपके नज़दीक होने का आभास होगा। इन दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करने के बाद अब बारी आती है हमारी 50वीं तकनीक, जिसको अपनाने की। इस तकनीक के इस्तेमाल से आप सामने वाले व्यक्ति के एकदम करीब आ सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि आपको उस व्यक्ति के साथ बिताए अपने किसी खास क्षण को याद करना है। जब भी आप उस व्यक्ति से कुछ वक्त के लिए मिलें तो ये कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा कर पाएं जो आप दोनों के लिए अच्छी याद बन जाए। भले ही आप उनके साथ छोटा सा मजाक करें, लेकिन जब अगली बार उनसे मिलेंगे तो आप दोनों उन याद को याद करें। इससे वो आपके काफ़ी करीब महसूस करेंगे। अपने मन की बातें करते वक्त कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको किसी की तारीफ करनी है, लेकिन ऐसा भी होता है कि आप तारीफ करते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप शायद उनकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक तकनीक ऐसी बताएं जिससे कि आप ये सीख सकें कि किसी व्यक्ति की तारीफ कैसे करनी होती है। तो ये काम वास्तव में आप नहीं, उस व्यक्ति का कोई दोस्त करेगा जिस व्यक्ति की आपको तारीफ करनी है। आप बस उनके किसी दोस्त के सामने उस व्यक्ति की तारीफ कर दीजिए। वो दोस्त अपने ही आप उस व्यक्ति के द्वारा की गई तारीफ के बारे में उन्हें बता देगा। इससे ये होगा कि उस व्यक्ति को आप ऐसे व्यक्ति नहीं लगेंगे जो केवल मुंह पर झूठी तारीफें करते, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभर कर आएंगे जो लोगों के पीठ पीछे भी उनकी तारीफें ही करते हैं। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। केवल अच्छी बातें करने वाले व्यक्ति कैसे बने। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर वक्त बस दूसरों की बुराइयां करने में लगे रहते हैं। हमारी अगली 92वीं तकनीक यही कहती है कि आपके लोगों की बुराइयां नहीं बल्कि हर जगह उनकी तारीफें करनी चाहिए। इससे आप एक सकारात्मक व्यक्ति की तरह नजर आएंगे, जिससे लोगों का आप पर भरोसा भी मजबूत होगा। अच्छी बातें करने वाले व्यक्ति का एक और नियम है जो हमारी 53वीं तकनीक भी है, जो ये है कि आपको किसी भी व्यक्ति की तुलनात्मक तारीफ नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी लड़की से कहते हैं कि उसका रंग सांवला होने के बावजूद भी वो सुंदर दिखती है, अब यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने उस लड़की की तारीफ की है, मगर वास्तव में ये बात लोगों को बेहद बुरी लगने वाली होती है। इसलिए आपको इस प्रकार के तुलनात्मक तारीफें करने से बचना चाहिए। अब तक हम खुलकर तारीफें करने के बारे में दो तकनीकें सीख चुके हैं। अब बारी आती है उस तकनीक की जो आपको सिखाएगी कि बातों ही बातों में तारीफ कैसे करें। इसके लिए आपको सामने वाले व्यक्ति की तारीफ सामान्य तौर पर बातें करते दौरान करनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति की तारीफ समझ भी आ जाएगी और वो आपसे इस बात के लिए प्रभावित भी हो जाएगा। इन तारीफों के बाद अब बारी आती है किसी व्यक्ति की ऐसी तारीफ करने की जिससे उसका आपसे प्रभावित होना तय है। इसके लिए आपको उस व्यक्ति की खास योग्यता या गुण का पता लगाना है, और आप जब भी बात कर रहे हों तो बीच में ही उनकी इस विशेषता को उनके सामने लाएं और उनको इसके लिए प्रोत्साहित करें। ये तरीका आपको एक बार में उस व्यक्ति के करीब ले आएगा। सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार उस व्यक्ति की तारीफों की पुलवा दें। कुछ बातें छोटी होती हैं लेकिन उन बातों से लोगों को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है।
हमारी 56वीं तकनीक आपको यही सिखाएगी कि छोटी छोटी बातों से आप कैसे अपने साथ के लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अच्छा दिख रहे हैं, ये काम आपने बढ़िया किया, या बहुत खूब इत्यादि। जैसी तारीफ करके आप उस व्यक्ति के नज़रों में सकारात्मक व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। इसके बाद बारी आती है प्रशंसा करने के लिए। सही समय की प्रशंसा या तारीफ तभी करना सही होता है जब सामने वाले व्यक्ति को उसकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टेज से गाना या डांस करके उतरा है, तब वो अपने मन में शायद यही सोच रहा होगा। उस वक्त यदि आप उसके पास जाकर ये बोलते हैं कि आपने बेहद उम्दा प्रदर्शन किया, तो आपके ये शब्द उसके मन में काफ़ी गहरा असर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक और तकनीक भी इस्तेमाल करनी चाहिए, जो ये है कि तारीफ एक बूमरैंग की तरह होनी चाहिए। यानी कि जब सामने वाले व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, तो बदले में आप भी उसकी तारीफ में कुछ शब्द कहें। तो इसी के साथ समरी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए।